सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत पंचायत कसमार में आज नॉकआउट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कसमार पंचायत के समाजसेवी सह भूतपूर्व सैनिक मदन कुमार सिंह ने फीता काटकर क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। मैच का आयोजनकर्ता नवयुवक संघ कसमार के द्वारा मैच खिलाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मदन सिंह, सचिव पवन कुमार, कोषाध्यक्ष रामदत्त शर्मा, उपाध्यक्ष नितेश कुमार, उप कोषाध्यक्ष रविन्द्र कुमार, उप सचिव पंचम कुमार बनाए गए हैं। आज का मैच गोइंदी बनाम सामगढ़ के बीच खेला गया। मैच 16-16 ओवर का करवाया जा रहा है, जिसमें अपनी पारी में गोइंदी ने टॉस जीतकर बैटिंग लिया। गोइंदी ने अपनी पारी में 108 ही रन बना पाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सामगढ़ ने 15 ओवर में ही 112 रन बनाते हुए जीत हासिल कर ली। नॉकआउट कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट नवयुवक संघ कसमार के द्वारा पंचायत कसमार के भगत मैदान में खेलाया जा रहा है। मैच में रामदत्त शर्मा एवं सिद्धार्थ कुमार ने एम्पायर के रूप में मैच को खिलाया एवं कमेंट्री कमलेश रविदास के द्वारा किया गया। वहीं समाज सेवी मदन कुमार के द्वारा सामगढ़ के खिलाड़ियों के बीच खेल वस्त्रों का भी वितरण किया गया।